So guys, इस पेंटिंग में हम कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं रखने वाले हैं। एनाटॉमी, ह्यूमन प्रोपोर्शंस के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं रहेंगे। अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब ये होगा कि हम टोटली एब्स्ट्रैक्ट करने वाले हैं, और मतलब इसके साथ थोड़ा कंपोजिशन भी करेंगे। मतलब इसमें मैं कोई रेफरेंस नहीं यूज कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। मतलब मेरे मन में जो चलता रहेगा वो जस्ट मैं वहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, बस और कुछ नहीं। मतलब ये एक तरीके से एक मेरे लिए आर्ट थेरेपी है, मतलब मेरे खुद के जो अंदर के आर्ट को, जो मेरा ओरिजिनल आर्ट है उसको समझने के लिए। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे मन का काम है। तो और देख सकते हैं, ये देखिए मैंने हाथ भी पूरा यूज़ किया है, थंब से भी, और हैंड भी पूरा यूज़ किया है पेंट करने में। और इसमें मैं बिल्कुल जैसा भी मेरा मन करेगा वैसा ही, देखिए मुझे टेक्सचर्स पर्सनली, ये इतना आउटलाइन मुझे टेक्सचर बहुत पसंद आया ये। तो ये देखिए, बट मैं बता नहीं सकता कि इसके बाद भी ये टेक्सचर रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा मेरे मन में आ रहा है, जो कलर्स मेरे माइंड में आ रहे हैं वो कलर्स मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। देर के बाद फाइनली मेरी पेंटिंग कंप्लीट हुई है। और दोस्तों, ये मैंने जो भी पेंटिंग किया है मैंने कहीं से कोई रेफरेंस नहीं लिया है, और अगर ये कहीं से अगर किसी पेंटिंग से या फिर किसी चीज़ से मिल रही होगी तो ये जस्ट कोइंसिडेंट होगा और कुछ भी नहीं होगा। ये बस एक इत्तेफाक होगा और कुछ नहीं होगा। मैंने जो भी कुछ किया है अपने मन से किया है, कोई भी रेफरेंस नहीं, कहीं से कुछ नहीं। जैसा मुझे लगा, जैसा मेरे दिमाग में जो कलर्स, जो कॉम्बिनेशन आ रहे थे, बस मैंने वहाँ पे यहाँ पे उसे क्रिएट करने की कोशिश की है। तो आइए दिखा।